हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर वन ग्रेविटेशन के पॉइंट्स, द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके पहले के जो पॉइंट्स है वो पार्ट वन में मैंने एक्सप्लेन किए हैं। आप फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ये पेज हमारे चैनल का है। यहाँ पर मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वन, साइंस टू के कुछ वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं। यहाँ से आप जाकर देख सकते हो। इधर सब्सक्राइब का बटन आएगा, उस पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इन सारे वीडियोस की लिंक दी हुई है, तो आप वहाँ से भी लिंक ओपन करके वीडियो देख सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी क्या कि जब भी कोई बॉडी कंटिन्यूसली मूव करती है इन ए यूनिफॉर्म स्पीड, और पाथ कैसा है, सर्कुलर पाथ है, तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने पहले देखा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ये वाला है इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? यूनिफॉर्म लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, एनी टू ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट रोटेटिंग, ओके। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट पे कितना सेंट्रीपेटल फोर्स है, ओके। हमने पहले भी देखा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो सेंटर जो है उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट करता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता है, ओके। तो उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, जैसे ये प्लैनेट है यम, इट इज़ रोटेटिंग अराउंड द सन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है, सॉरी इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अगर सन और प्लैनेट के बीच की रेडियस है आर, डिस्टेंस आर है, इस प्लैनेट का मास एम है और इसकी वेलोसिटी है वी, तो वी वेलोसिटी से यूनिफॉर्मली वो रोटेट कर रहा है, तो इस प्लैनेट पे कितना फोर्स एक्ट होगा, मीन्स जो भी फोर्स एक्ट होगा वो कौन सा फोर्स एक्ट होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट होगा। ड्यू टू द सेंट्रीपेटल फोर्स दिस प्लैनेट कैन रोटेट इन अ सर्कुलर डायरेक्शन। ओके, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ में जो न्यूटन है, न्यूटन ने केपलर्स लॉ का यूज़ किया है, और जो सेंट्रीपेटल फोर्स इस प्लैनेट पे एक्ट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो मैग्नीट्यूड डिराइव किया है बाय यूजिंग केपलर्स लॉ। ओके, तो चलिए ये इनवर्स स्क्वायर लॉ हम देखते हैं कि समझ में आ गया आपको डिफरेंस बिटवीन द यूनिवर्सल लॉ एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ। यूनिवर्सल लॉ में क्या डिराइव किया है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिराइव किया है, और इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या डिराइव किया है कि जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उस पर जो सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा या फिर वो कैसे होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सपोज किया हमने कि ये प्लैनेट है यम, जिसका मास है यम, और ये है सन, तो ये प्लैनेट विद मास एम रोटेट हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन में अराउंड द सन, के बीच का डिस्टेंस है आर और यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है वी। ओके, तो जब ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर,
तो ये जो ऑब्जेक्ट है उस पे जितना सेंट्रिपेटल फोर्स एक्ट हो रहा है वो हम कैसे डिराइव करेंगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ पे एम क्या है मास ऑफ प्लैनेट, वी क्या है स्पीड ऑफ प्लैनेट, आर इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर वन। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में एम जो है, एम क्या है कॉन्स्टेंट है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ये जो है कॉन्स्टेंट रहता है, आर डिस्टेंस ये भी कॉन्स्टेंट है, पर ये जो वी है वी वेलोसिटी, तो इस वी की वैल्यू हमें डिराइव करनी पड़ेगी। वी यानी क्या हो गया स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना डिराइव करेगा, सॉरी डिस्टेंस कितना कवर करेगा प्लैनेट एक एक रोटेशन में, सर्कल के अराउंड ये मूव हो रहा है ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये सर्कल है यानी इतना जो पाथ है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये क्या हो गया पेरीमीटर ऑफ द सर्कल ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्लैनेट इन वन रोटेशन कितना हो गया पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट, जिसकी वैल्यू क्या होगी 2 पाई आर। ओके अब टाइम टेकन, टाइम हम स्पीड किस लिए कंसिडर करें वन रोटेशन के लिए, तो सपोज कर दिया कि टाइम होगा इक्वल्स टू द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, एक पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एक चक्कर करने के लिए जितना टाइम लगता है उसे हम बोलेंगे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट इज इक्वल्स टू द टी। ओके तो दोनों निकाल लिए हमने इस फॉर्मूले के, डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया पेरीमीटर ऑफ सर्कल, और टाइम टेकन कितना हो गया पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन दैट इज टी। तो हमारा जो वी है इस फॉर्मूले में उसकी वैल्यू क्या होगी, वी इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन टी। ओके दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे वी की जो वैल्यू है वो हम फर्स्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा था एफ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके एम जैसे कि वैसे आएगा, नीचे का आर जैसे कि वैसे आएगा, यहाँ पे वी की वैल्यू पुट कर देंगे हम 2 पाई आर अपॉन टी होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर दिया तो क्या आएगा 4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी, पर नीचे भी आर है तो ए आर और ऊपर का जो स्क्वायर है वो कट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 4m पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। ओके इस लॉ में न्यूटन ने यूज किया केपलर का थर्ड लॉ। केपलर का थर्ड लॉ क्या था कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस। ओके आर क्यूब, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। तो केपलर का थर्ड लॉ टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू के। तो ये जो है ये वैल्यू हमें यहाँ पे कहीं तो भी एडजस्ट करनी है, टी स्क्वायर और आर क्यूब लाना है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में टी स्क्वायर तो ऑलरेडी है लेकिन आर क्यूब कहीं पे नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बाय आर स्क्वायर से ठीक है। ऊपर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया ये जो ऊपर आर है इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब हो गया, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके अब यहाँ पे 4m पाई स्क्वायर इसको अलग कर दीजिए, आर स्क्वायर को भी यहाँ पे निकाल लिया, और बाकी बचा आर क्यूब अपन टी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमने, दिस इज मल्टीप्लीकेशन साइन, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर निकाल लिया। ओके तो अकॉर्डिंग टू द के प्लस लॉ टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू के, यानी आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/k। तो इसकी जगह पे आया जाएगा 1/k। ओके तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये एफ इक्वल्स टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के ठीक है। अब इस फॉर्मूला में देखिए 4 जो है वो कांस्टेंट है, m मास वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है क्योंकि इसकी कोई तो भी वैल्यू होती है ठीक है। तो मास की अगर वैल्यू में है नंबर फॉर्म में है तो इट इज़ कांस्टेंट। पाई स्क्वायर पाई तो कांस्टेंट ही है हमको पता है। फिर इसके बाद आर स्क्वायर जो है इट इज़ डिस्टेंस, इट इज़ नॉट कांस्टेंट। के प्लस लॉ को कांस्टेंट है,
यानी ये जो टोटल टर्म है 4m पाई स्क्वायर अपॉन के इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ओके। तो इस फॉर्मूल का हम इस वे से लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर, ओके। अगर यहाँ पे कॉन्स्टेंट है यानी क्या, एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। 1 अपॉन r स्क्वायर यानी इट इज अ इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कैसे होगा, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और इट इज ऑल्सो नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। तो जो बॉडी रोटेट हो रही है उसमें जो सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट हो रहा है वो फोर्स कैसे होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ओके। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम रहेगा, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा रहेगा। इस लॉ में हम सेंट्रीपेटल फोर्स तो डिराइव कर रही है, लेकिन जो सेंट्रीपेटल फोर्स है इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशन, इसलिए इस लॉ को न्यूटन ने नाम दिया इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ न्यूटन। होप आपको समझ में आ गया है इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस टॉपिक पे पूछे गए हुए यूज़ योर ब्रेन पावर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है, इज़ देयर अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स केप ऑन अ टेबल और बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड सिटिंग नेक्स्ट टू यू, इफ़ यस व्हाई डोंट द टू मूव टूअर्ड्स ईच अदर, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट अगर टेबल पे है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या, अगर है तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ क्यों नहीं खींचते हैं, या आप और आपका फ्रेंड एक दूसरे की तरफ क्यों मूव नहीं होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, येस देयर एग्जिस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स केप्ट ऑन अ टेबल और बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड सिटिंग नेक्स्ट टू मी, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में या आप और आपके फ्रेंड के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स हम इस फॉर्मूले से डिराइव करते हैं, एफ इक्वल्स टू gmm/d2। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे जिनके बीच का डिस्टेंस है डी, ओके। तो यहाँ पे एफ क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, एम एंड एम स्मॉल एम इज मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन किलोग्राम, आर इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, और जी जी है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वेयर अपॉन के जी स्क्वेयर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पर दस एनी टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर बट एज देयर मासेस आर स्मॉल दे एग्जर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर विच इज टू स्मॉल टू कॉज एनी एक्सेलरेशन, हेंस टू ऑब्जेक्ट्स केप ऑन अ टेबल और मी एंड माई फ्रेंड सिटिंग नेक्स्ट टू मी डोंट मूव टूअर्स ईच अदर, ठीक है। तो इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो हम इस फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास बहुत ही निग्लिजिबल है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ही स्मॉल है जो किसी भी मोशन को इनिशिएट नहीं कर सकता, इसीलिए दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ मूव नहीं होंगे, ओके। नेक्स्ट है डू यू नो, इसमें हाई टाइड्स और लो टाइड्स के बारे में बताया है, आपको पता ही होगा हाई टाइड एंड लो टाइड जिसे हम भरती ओहोटी बोलते हैं। तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट हाई एंड लो टाइड्स दैट ऑकर रेगुलरली इन द सी, द लेवल ऑफ सी वाटर एट एनी गिवन लोकेशन अलॉन्ग सी शोर इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस ट्वाइस अ डे एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। हाई टाइड और लो टाइड यानी क्या, जो समुद्र का पानी है वो लेवल्स उसकी लेवल बढ़ जाती है, लो टाइड यानी समुद्र के पानी की लेवल कम हो जाती है। तो दिन में दो बार रेगुलर इंटरवल से जो वाटर लेवल है इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ठीक है। तो जब वाटर लेवल इंक्रीज होती है उसे बोलते हैं हम हाई टाइड, वाटर लेवल डिक्रीज होती है उसे बोलते हैं हम लो टाइड। तो हाई टाइड एंड लो टाइड ऑकर्स एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पे हाई टाइड और लो टाइड अलग अलग टाइम पे होता है। लेवल ऑफ वाटर सी इन द सी चेंजेस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाय द मून। तो ये जो समुंदर का पानी का लेवल कम या ज़्यादा होता है वो इसलिए होता है क्योंकि मून जो है
उसका ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट होता है, उसकी वजह से समुद्र का पानी की लेवल कम या ज़्यादा होती है। वाटर डायरेक्टली अंडर द मून गेट्स पुल टूवर्ड्स द मून एंड द लेवल ऑफ वाटर देयर गोज अप कॉजिंग हाई टाइड एट दैट प्लेस। ठीक है, यहाँ पे जो मून है, मून के साइड में जो भी वाटर लेवल है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हाई टाइड होता है। और एट टू प्लेसेस ऑन अर्थ एट 90 डिग्री फ्रॉम द प्लेस ऑफ हाई टाइड द वाटर लेवल इज मिनिमम एंड लो टाइड्स ऑकर्स। ठीक है, तो जिस साइड्स में मून होगा वहाँ पे हाई टाइड हो जाएंगी, क्योंकि मून इस वाटर पे को पुल कर रहा है, उस पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। और उसके यहाँ पे हाई टाइड है तो 90 डिग्री की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, उस समय लो टाइड हो जाएगा, वाटर की लेवल कम हो जाएंगी। इधर भी 90 डिग्री यहाँ से हाई टाइड से 90 डिग्री इधर वाटर लेवल कम हो गई है। तो दिस इज अबाउट लो टाइड और हाई टाइड। एक्सप्लेन अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के रिलेटेड कुछ जो टर्म्स हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है, द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टूवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ इज सिचुएट एट द सेंटर। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो अर्थ का मास है वो अर्थ का मास पूरा सेंटर की तरफ है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो होगा, जो अर्थ एग्जर्ट करेगी ऑब्जेक्ट पे, वो भी किधर डायरेक्टेड होगा, इट विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। देन थर्ड पॉइंट इज, अ स्टोन व्हेन थ्रोन अपवर्ड दिस फोर्स ट्राइज टू पुल इट डाउन एंड रिड्यूसेस इट्स वेलोसिटी ड्यू टू कॉन्स्टेंट डाउनवर्ड पुल। द वेलोसिटी बिकम्स जीरो आफ्टर अ व्हाइल एंड स्टोन फॉल्स डाउनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अगर आप कोई पत्थर ऊपर फेंकते हो तो पत्थर ऊपर फेंकने के बाद वो थोड़ी देर बाद नीचे ज़रूर आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब हम एक फोर्स के साथ पत्थर को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर जाते वक्त नीचे उसको ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा होता है, उसकी वजह से कुछ देर बाद उसकी जो वेलोसिटी वो ज़ीरो हो जाती है। इसलिए पत्थर या स्टोन अगेन अर्थ की तरफ नीचे गिरता है। व्हेन मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ इन सर्कुलर पाथ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ प्रोवाइड द सेंट्रीपेटल फोर्स टू मून फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक है, जब अर्थ की अराउंड मून मूव हो रहा है क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है, जो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, वैसे ही जितने भी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं तो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट होता है प्लैनेट पे। इसी की वजह से प्लैनेट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में सन के अराउंड रिवॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज सीन दैट अ फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? इफ सो वी डो नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड्स एन एप्पल, वाई? ठीक है, हमने हमेशा देखा है कि एप्पल जो है वो नीचे गिरता है अर्थ की ओर। मीन्स अर्थ अगर एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है तो क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है? यस भाई, अगर एप्पल भी अट्रैक्ट कर रहा है तो फिर अर्थ क्यों एप्पल की तरफ नहीं जाती है? एप्पल ही अर्थ की तरफ क्यों आता है? तो इसका रीज़न है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ, बट अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ गिवन फोर्स एक्सीलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द मास ऑफ एन एप्पल इज निग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ, सो वी डो नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड्स द एप्पल। ओके, क्योंकि लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जो भी फोर्स है एक्सीलरेशन क्रिएट होता है
वो डायरेक्टली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसा है टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर एप्पल का मास इतना निग्लिजिबल है इसलिए वो अर्थ को अपनी तरफ पुल नहीं कर सकता, लेकिन अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो अर्थ अपनी तरफ एप्पल को पुल करती है. ओके, दिस इज ऑल अबाउट अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. इसमें हमने अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े. नेक्स्ट है यूज योर ब्रेन पावर. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट. दस इफ अर्थ अट्रैक्ट्स एन एप्पल टूवर्ड्स इट्स सेल्फ, एप्पल ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ टूवर्ड्स इट्स सेल्फ विद द सेम फोर्स. वाई देन डज द एप्पल फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बट द अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स द एप्पल. मीन न्यूटन के लॉ के हिसाब से हर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पर एप्पल ही क्यों अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं मूव होती. ये क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है. तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ. ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करती है, पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार जो है जो फोर्स एग्जर्ट होता है और उस फोर्स की वजह जो जो एक्सीलरेशन होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, मीन जो मास ज़्यादा होगा तो वो उसका एक्सीलरेशन कम होगा. अगर मास कम होगा तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा. तो नेक्स्ट पॉइंट, एज मास ऑफ द अर्थ इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द एप्पल सो द एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ इज टू स्मॉल. अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है एप्पल के कंपेयर में, इसीलिए जो एक्सीलरेशन है अर्थ का वो भी बहुत कम होगा. द मास ऑफ एन एप्पल इज निग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ सो एक्सीलरेशन ऑफ एप्पल विल बी मोर. ठीक है, तो जो एप्पल का मास है वो बहुत स्मॉल है इसलिए उसका एक्सीलरेशन भी ज़्यादा होगा. इसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट. इसीलिए वी डू नॉट सी अर्थ मूविंग टूवर्ड्स द एप्पल, एप्पल मूव टूवर्ड्स द अर्थ. इसी वजह से जो है वो अर्थ एप्पल की तरफ नहीं जाता, एप्पल अर्थ की तरफ मूव होता है.